कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज पहले बात कर लेते हैं कंगना रनौत को लेकर। दोस्तों कंगना रनौत को तो आप जानते हैं, जो बॉलीवुड की अदाकार है, बॉलीवुड की हीरोइन है, और वो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहती है। पीछे किसान आंदोलन में भी उन्होंने, किसान लेडीज थी जो किसान आंदोलन में, उनको लेकर अब शब्द कहे थे, जिसको लेकर पंजाब के कुछ सिंगरों ने उनकी बहुत खिंचाई की थी और उनको लेकर एक गाना भी बनाया था। एक दो दिन पहले आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत को भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्मा श्री से नवाजा गया था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में। इतना बड़ा सम्मान मिला उनको। लेकिन अब दोस्तों उनका जो बयान आया है वो पूरे भारत के खिलाफ है। वो दोस्तों बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत बयानी है उनकी। दरअसल दोस्तों कंगना रनौत किसी न्यूज शो में गई थी, वहाँ उनका जो समिट था उसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्य वक्ता के तौर पर गई थी। इस दौरान दोस्तों उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर बयान देते हुए सावरकर, लक्ष्मी बाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा, ये लोग जानते थे कि खून बहेगा लेकिन यह हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे इसे जानते थे। बेशक उन्हें एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वह आज़ादी नहीं थी, वो भिक्षा थी। हमें 2014 में असली आज़ादी मिली। ये बयान है दोस्तों उनका। मैं आपको ये बयान उनके मुँह से भी सुनाऊँगा जो उन्होंने टाइम्स नाउ के उस कार्यक्रम में दिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इनकी मानसिकता का जो एक बेड़ा गर्क है वो हो चुका है। इससे पहले दोस्तों रुचि पाठक नामक एक बीजेपी की नेता है, युवा नेता है, शायद यूपी से है, उन्होंने भी इस प्रकार का बयान दिया था कि भारत तो 99 साल की लीज पर है। हालांकि कंगना रनौत ने ये मान लिया कि भारत 2014 में आज़ाद हो गया, लेकिन उन मैडम का तो कहना ये था कि अभी तो 99 साल बाकी हैं, 99 साल पूरे होने में समय बाकी है और भारत 99 साल के लिए ठेके पर है। भारत देशवासियों के पास भारत 99 साल के लिए ठेके पर है। तो इस प्रकार के जो बयान है दोस्तों वो एक ही तरफ से आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे और ये बहुत ही खतरनाक है। उन योद्धाओं का अपमान है दोस्तों जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और न जाने कितने हमारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो दोस्तों इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गए आज़ाद करवाने के लिए। और ये मैडम जी कहती हैं कि आज़ादी तो इनके बाप ने दिलवाई है 2014 में। दरअसल इनका कहने का जो भाव है दोस्तों वो ये है कि जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से, भारत तब से आज़ाद हुआ है। इन्होंने अपने पूर्वज यानी इनके जो सर्वोसर्वा थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, उनको लेकर भी उनका भी अपमान किया है कि वो भी एक बिना स्वतंत्र हुए, बिना आज़ाद भीख में ली हुई आज़ादी वाले देश पर राज करके गए हैं और वो इन्हीं की पार्टी से हैं दोस्तों। इसके लायक इनके काम नहीं थे, फिर भी इनको उस सम्मान दिया गया है, इस प्रकार का इतना बड़ा सम्मान इनको दिया गया है। तो इनके बोल तो बिगड़ने ही थे दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये अपने आप को महारानी समझ रही है। इस मामले में दोस्तों इसको पूरा ट्रोल भी किया जा रहा है और वरुण गांधी ने भी इसको लेकर कहा है कि इसे पागलपन कहें या फिर देशद्रोह, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए खूब फटकार लगाई है और कहा है कि इन्होंने महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का अपमान किया है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता का कितना दिवालियापन हो चुका है और किस हद लेवल में गिर चुके हैं। ये दोस्तों उन योद्धाओं की कुर्बानियों को बिल्कुल भुला चुके हैं या बिल्कुल सिरे से खारिज कर चुके हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हीं के सपनों की वजह से, उन्हीं के कुर्बानियों की वजह से आज ये इतना बोल पा रही है। उनको इसने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी इस तरह की दोस्तों मानसिकता वाले किसी भी इंसान को पद्मश्री अवार्ड से नवाजना
बहुत ही हैरानीजनक बात हो सकती है। इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसने समस्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। और दोस्तों अब दूसरी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी यूपी की, जहां पर एक अल्ताफ नामक व्यक्ति, जो लड़का था 21-22 साल उसकी उम्र थी, उसको पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। अब उसमें दोस्तों जो उनका बयान मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था, उसके बाद एक लेटर वायरल होता है, एक पत्र वायरल होता है, जिसमें बताया जाता है कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, और यहाँ तक कहा जाता है कि उस लड़के ने खुद आत्महत्या की है, और अंत में उस लड़के के पिता के अंगूठा लगा हुआ था, और लोग कह रहे थे कि उनके पिता ने बयान बदल दिए। अब दोस्तों जो जानकारी सामने आई है लल्लन टॉप के मुताबिक, वो ये है दोस्तों कि उनके पिता और चाचा के अनुसार जब उनको धमकाया गया तब उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। यानी उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनको धमकाया है और धमकाकर उनसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है उस लेटर पर। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक तो पहले ही उसकी मौत संदेहस्पद थी, संदेहजनक थी उस युवक की मौत, और उसके साथ साथ किस प्रकार से पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है कि वो अपने बयानों को बदल दे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बेशर्मी है पुलिस प्रशासन की। तो इस पूरे मामले में दोस्तों यूपी पुलिस विभाग और यूपी सरकार को ठोस से ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और जांच इस प्रकार से की जाए ताकि जो सच है और जो झूठ है वो सामने आ सके। आपको बता दें दोस्तों, वो 2 फुट की हाइट पर जो टूंटी लगी हुई थी और वो प्लास्टिक की थी, तो इससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जाहिर सी बात है कि उससे लटका नहीं जाता। अगर वो उस पर लटकने की कोशिश भी करता तो वो टूंटी टूट जाती, क्योंकि वो प्लास्टिक की थी और 2 फुट, सिर्फ 2 फुट ऊंची थी वो ज़मीन से। तो इस प्रकार की थ्योरी पुलिस की थी दोस्तों, जिसको किसी भी तरीके से हजम नहीं किया जा सकता, उस बात को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।